सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट थिंकिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। ऐसे में श्रीदेवी के अचानक निधन से न केवल बॉलीवुड बल्कि राजनीति के बड़े बड़े नेताओं को भी बड़ा धक्का लगा है। जी हाँ, बता दें कि श्रीदेवी बोनी कपूर की दूसरी पत्नी थी और उनकी दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम जाह्नवी और खुशी कपूर है। गौरतलब है कि जब बोनी कपूर की जिंदगी में श्रीदेवी ने कदम रखा तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी मोना को तलाक देने का फैसला कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोनी कपूर को अपनी पहली पत्नी मोना से दो बच्चे भी हैं। जी हाँ, हम अर्जुन कपूर और उनकी बहन की बात कर रहे हैं। बरहलाल, अर्जुन कपूर की माँ यानी मोना जी को कैंसर की बीमारी होने के कारण उनका निधन हो गया। वहीं बोनी कपूर ने भी श्रीदेवी से दूसरी शादी कर ली। ऐसे में अर्जुन कपूर और उनकी बहन अपनी सौतेली माँ यानी श्रीदेवी से बेहद नफरत करते थे। जी हाँ, अर्जुन कपूर ने खुद ये बात कही थी कि श्रीदेवी और उनकी बेटियाँ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। यहाँ तक कि अर्जुन कपूर ने तब से लेकर अब तक अपनी सौतेली माँ यानी श्रीदेवी से बात तक नहीं की थी और ऐसे में वो अपने नाना नानी के घर ही रहते थे। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर श्रीदेवी की मौत के बाद अर्जुन कपूर की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीदेवी के निधन को लेकर अर्जुन कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। जी हाँ, गौरतलब है कि अर्जुन कपूर फिलहाल अमृतसर में अपनी आने वाली फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग कर रहे थे, मगर जब उन्हें श्रीदेवी की मौत की खबर मिली तो वो शूटिंग के सेट पर ही फूट फूट कर रोने लगे। जी हाँ, शूटिंग के दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से अर्जुन कपूर को संभाला। वहीं अगर खबरों की माने तो अर्जुन कपूर अपनी शूटिंग बीच में ही छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उनकी सौतेली माँ यानी श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अर्जुन श्रीदेवी की मौत को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया देंगे ये किसी ने भी सोचा नहीं था। जी हाँ, सबको यही लग रहा था कि अर्जुन कपूर श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में शायद शामिल नहीं होंगे, मगर ऐसा नहीं है। तभी तो इतनी नाराजगी के बावजूद भी उनके दिल में श्रीदेवी के लिए बेहद इज्जत है। वैसे भी अगर उनके दिल में श्रीदेवी की इज्जत नहीं होती तो वो कभी उन्हें श्रद्धांजलि देने शूटिंग बीच में छोड़कर नहीं आते और उनके अंतिम संस्कार का हिस्सा नहीं बनते। वैसे अगर हम सच कहें तो श्रीदेवी को अर्जुन कपूर द्वारा इज्जत तो मिली, लेकिन ये इज्जत देखने के लिए अब वो जिंदा नहीं रही। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इंसान को खोने के बाद ही हमें उसकी कदर होती है, और अर्जुन कपूर के लिए ये कहना गलत नहीं होगा। बरहलाल, हम दुआ करते हैं कि श्रीदेवी जहाँ भी होंगी वो अर्जुन कपूर के इस प्यार को देखकर जरूर